नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद यूथ कांग्रेस जिंदाबाद यूथ कांग्रेस समोसा मोदी का समोसा समोसा मोदी जी स्पेशल पकौड़े हैं ये। मोदी जी ने हमें मजबूर किया है कि हम सड़कों पे उतरे और पकौड़े और समोसे बेचे। आज पढ़े लिखे युवा का क्या यही भविष्य रह गया है? नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद 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 यूथ कांग्रेस जिंदाबाद यूथ कांग्रेस जिंदाबाद। भाई फिर मेरे सामने मेरा बंद करो अपना बंद करो। कहां समोसा लगा है आज भी आए आपको पैसे दो हो गया ना भाई मोडी दबू उद्योग रेट निरसन व्यक्तम विद्यार्थी निरुद्योग जी मेरा नाम ममता नागरेड्डी है। मैं भारतीय युवा कांग्रेस में नेशनल सेक्रेटरी के पद पे काम कर रही हूँ। आज 17 सितंबर मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर हम सभी बेरोजगार युवा सड़कों पे उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने हमें मजबूर कर दिया है कि हम यह प्रदर्शन करें। शायद इस तरीके से उनके झूठ को एक जवाब मिले। जो उन्होंने झूठे वादे इस भोली भाली जनता और युवा के साथ किया था, उनकी सारी नीतियाँ ही युवा विरोधी हैं, क्योंकि वह अग्निपथ लेकर आते हैं अनएम्प्लॉयमेंट से लड़ने के लिए, बेरोजगारी से लड़ने के लिए। उन्होंने सत्ता में आने के लिए झूठे वादे किए। उन्होंने कहा कि वो 2 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन आज मैं मीडिया के माध्यम से ये सवाल पूछना चाहती हूं कि कहां है 2 करोड़ रोजगार, कहां है युवा की? वह सिर्फ अपने चंद साथियों का साथ देते हैं, उनकी झोलियाँ भरते हैं, अंबानी और अडानी के बिजनेस को ग्रो करते हैं। बाकी सरकारी नौकरियां खत्म हो चुकी हैं। उनके लाए हुए डीमोनेटाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के वजह से लगभग की पूरी अर्थव्यवस्था, भारत की पूरी अर्थव्यवस्था तितर बितर हो चुकी है और हम बेरोजगार युवा सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो चुके हैं। तो आज उनके जन्मदिन के अवसर पर भारतीय युवा कांग्रेस राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस मना रही है। हमारी आवाज़ को कितना भी दबाया जाए, तानाशाह सरकार के खिलाफ हम लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे पूरी मजबूती के साथ। यूथ कांग्रेस जिंदाबाद। नमस्कार, मैं शैलेंद्र, यूथ कांग्रेस। आज सितंबर 17 मोदी जी जो बर्थडे उनका सेलिब्रेट कर रहे, या देश के अंदर 1 लाख नौकरियां जो खाली पड़े हुए है, वो बेरोजगार जो युवा जो बेरोजगारी में जो परेशान है, वो लोग रोड पे परेशानी से जी रहे। और ये नरेंद्र मोदी कभी हमारे राहुल गांधी के टी शर्ट के लिए बात करते, बीजेपी के लोग उन लोगों को टी शर्ट दिखता, मगर हमारे बेरोजगार हमारे भाइया जो युवा भाई जो भारत देश के अंदर मुसीबत पे है, वो वैसे युवा के बारे में कोई सेंट्रल मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के चमचे और वो स्मृति ईरानी जो है हमारे राहुल भाई के लिए जो बाता कर रहे, वो उनको आंखा खोल के पहले बेरोजगार के ऊपर ध्यान देना बोल के इस अवसर पर बोल रहा हूँ। और ये चामनार हमारा ओल्ड सिटी से मैं बीजेपी के पूरे इंडिया लेवल पार्टी लीडर्स को और स्टेट लेवल पार्टी लीडर्स को, बंडी संजय को
और बाकी सब बीजेपी लीडर्स को एक ही मैसेज देना चाहता हूँ। पहले बेरोजगारी के ऊपर और नौजवान युवा जो परेशान है देश के अंदर और राष्ट्र के अंदर, उन लोगों के ऊपर ध्यान देना और उनके ऊपर कुछ आपके बड़े बड़े स्पीचेस, बड़े बड़े जो प्रोग्राम्स जो रखते हैं आप लोग, झूठे वादे झूठे बाता, कभी मस्जिद के ऊपर कभी मंदिर के ऊपर नहीं, मंदिर से और मस्जिद से पैसे नहीं आते, रोजगारी नहीं मिलती नौजवान को रोजगारी। आप जो 1 लाख नौकरियां खाली पड़े हुए देश के अंदर, वो भर्ती करके आपका ताकत दिखाओ, आपको दम है तो वो देने के बाद में मीडिया के सामने, देश के सामने, युवा के सामने आने के लिए मैं ये इस अवसर पर बोलना चाहता हूँ।